पिछले कई दिनों से कई महीनों से यहाँ पर कुछ ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन अगर हम ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स में देखें तो जो हमारे यहाँ पर सिटिंग एमपी हैं और ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स जो थे जो हैं वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए हैं। और मैं खासकर भद्रवाह की बात करूंगा, फिर मैं डोडा की भी बात करूंगा। तो भद्रवाह के लिए उन्होंने रिसेंटली जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि पूरी नेशनल पूरी हिंदुस्तान का एक मेडिसिनल प्लांट जो अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पर इदारा बनेगा और जिससे कई एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर जनरेट होगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा और खासकर भद्रवाह में मेडिसिनल प्लांट्स हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत जो है वो प्रॉस्पेक्ट है। और उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से इल्तिजा करूँगा कि वो यहाँ पर उस एरिया में उसको थ्रस्ट मारे। और खासकर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट है, ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें दी। और इसके लिए हमारे जो लोकल एमएलए हैं ऑनरेबल हमारे एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी, उन्होंने दिल्ली में जाकर रोज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ये जो था प्रोजेक्ट जो था पड़ा हुआ था और उसको इन्होंने यहाँ पर सेंक्शन करवाया। इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी करता हूँ और अपने एमएलए साहब का। उसके साथ साथ जो पिछले दिनों ठाठरी से लेकर कालजुगासर वाया कालजुगासर कुल्होत्रान और चुचुल जो है जो यहाँ पर पड़ता है अपने चंबा में पड़ती है जगह, वहाँ पर फोर लेन हिमाचल में, तो वो फोर लेन भी उसके लिए डिक्लेयर कर दी और वो कागज़ जो है इन प्रिंसिपल उसमें जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने इन प्रिंसिपल उसको सेंक्शन कर दिया है और वो 80 किलोमीटर की रोड है जिसमें फोर लेन रोड जो है वो ठाठरी से वहाँ के लिए बनेगी। ये भी एक बहुत बड़ी जो है गिफ्ट है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो हमें यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दी है। और उसके लिए हमारे जो एमएलए हैं दिलीप सिंह जी परिहार, वो भी सराहनीय के जो उनके लिए भी तारीफ जो है वो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसलिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। आप देखते रहते हैं जो कि बड़ी खस्ता हालत में थी पिछले कई सालों से, उसके लिए भी क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिफ थी उन्होंने थोड़ा सा पैसा 1 करोड़ ही रखा था इसके लिए सिर्फ, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसके लिए 8 करोड़ रुपया उस वक्त जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी और हमारे एमएलए साहब वहाँ पर पहुँचे और 8 करोड़ रुपया जो है उसके लिए सेंक्शन करवाया। और आज आप देख रहे हैं कि भद्रवाह डोडा रोड जो है जिसमें सिर्फ अगर छोटी गाड़ी में आधे घंटे में हम पहुँच सकते हैं। भलेस के साथ हमारे जो है बहुत ये रहे हैं रिलेशन रहे हैं, क्योंकि भलेस के लोग यहाँ पर आते रहते थे, यहाँ पर बिजनेस का एक हब है और था भी। और जो जाई गुंदो रोड है जो हमारे एमएलए साहब ने जो है उसको सेंक्शन कराया 2.5 करोड़ रुपया उसके लिए पिछले दिनों, और उस पर रोड जो का जो काम है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है। और मेरी बात उनसे हुई थी, उन्होंने कहा कि मई तक हम उसको वहाँ से जो है गाड़ी यहाँ तक पहुँचा देंगे। उसके साथ साथ गुंदों में पोस्ट ऑफिस की कोई बात ही नहीं थी, भद्रवाह में तो है लेकिन गुंदों में पोस्ट ऑफिस नहीं था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस दिया है। और उसके साथ साथ भद्रवाह में केंद्रीय विद्यालय है और वहाँ पर भी गुंदों में भी केंद्रीय विद्यालय दिया गया और उसकी लैंड जो है वो एक्वायर हो गई है। मेरे जो यहाँ पर कुछ छोटे भाई हैं वो जो नीरज जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है कश्मीर में, तो 6 कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर खुलने जा रहे हैं जम्मू प्रोविंस में, पूरे जम्मू कश्मीर में। तो एक हार्टिकल्चर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जो है हार्टिकल्चर की जो यहाँ पर बहुत सा पोटेंशियल है तो हम और सब कुछ है, तो हम चाहेंगे एटमॉस्फेयर भी है उसके लिए, तो हम चाहेंगे कि एक हार्टिकल्चर का कॉलेज जो है यहाँ पर जो है वो बने भद्रवाह के अंदर। और उसके लिए भी हमारी हाईकोर्ट में चले गए, तो हम चाहेंगे कि इसकी पूरी पावर जो है गुंदों तक यहाँ पर है। और भद्रवाह जो है जो कि एक सीट ऑफ लर्निंग रहा है, जो यहाँ पर पुराना डिस्ट्रिक्ट रहा है और इसको जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए भद्रवाह को। जब भी कोई ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन होती है जम्मू एंड कश्मीर में तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए जो है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीट ऑफ लर्निंग भद्रवाह रहा है, यहाँ पर 90% जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट है,
केरला के बाद भद्रवाह को माना जाता है सबसे लिटरेट एरिया है, यहाँ पर पोस्ट सबसे पहले ऊपर के कॉलेज के बाद सबसे पुराना कॉलेज जो है भद्रवाह के अंदर है और यहाँ पर कैंपस भी है। तो हम चाहेंगे जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है जो दे रहे हैं तो वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो भद्रवाह में खुले, ताकि यहाँ पर पूरे, हम सिर्फ भद्रवाह की बात नहीं करते, हम कहते हैं डोडा के, किश्तवाड़ के, एर्सवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, रामबन है, वहाँ के तमाम बच्चे जो दर बदर होते हैं, जो जम्मू में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, हम चाहेंगे कि वो भद्रवाह में आए। यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जब महबूबा जी आई पिछले दिनों डोडा में, मैंने ये डिमांड रखी थी कि इस कैंपस को जो है फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाया जाए, क्योंकि मोहरम जो थे उनके फादर थे मुफ्ती साहब, उन्होंने डिक्लेयर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की थी, कैंपस किया था, तो उसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी।